उत्तरी पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के वेस्ट कमल विहार इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पति नशे की हालत में था। करीब 5 दिन पहले ही महिला के प्रेमी की शादी हुई थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। फोन आया था 7 बजे तो बोला कि तुम्हारा भैया ला रहा, कब हुआ, क्या हुआ, ये पड़ोसी सबसे पूछ रहे हैं अभी। तो वो बोला कि नहीं, रात में ठीक था। आपको किसने फोन करा? वो मोना ने किए, उसका जो उनकी दूसरी पत्नी है। हाँ, तो उसने तो बोला 1 महीना हम जेल में रखे, नहीं 2 महीना से वो बात करने दे रहा। एक बूढ़ा बाप है मेरा, एक वो भाभी है, 3 बच्चे हैं। ये जो किए ये कोई शादी से किए होंगे ना, ऐसे कोई मौत थोड़ो घर बैठे हो सकते हैं। कैसे डेथ हुई उनकी? ऐसी हुई, मतलब कैसे? हमें तो पता नहीं सर। जानकारी के मुताबिक महिला का एक अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते पति पत्नी के बीच लगातार झगड़ा हो रहा था। घटना के दिन भी दोनों की लड़ाई हुई। इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। आशंका है कि हत्या में किसी तीसरे शख्स का भी हाथ हो सकता है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेमी की 5 दिन पहले ही शादी हुई और इसके बावजूद प्रेमी इस महिला से बात कर रहा था। इसको लेकर प्रेमी के परिवार भी उसकी प्रेमिका के घर पहुंचे और इसको लेकर भी कई बार झगड़ा हो चुका था। हमें 2 महीना पहले पता चला कि इनकी शादी हुई है, 3 साल के लड़के हैं। और उसके बाद हम जब एड्रेस ढूंढने लगे हैं तो हमें बताया कि तुम्हारा भाई से हमें कोई मतलब नहीं है, वो रखा है। वो जेल में है, हमें मतलब नहीं है, तुम फोन काटो। फोन काट दिया, उसके बाद कुछ संपर्क द्वारा हुआ नहीं और ना बात हुआ भाई से। 2 महीने के बाद अगर हम लोग को सुनने में मिल रहा है कि भाई देहांत कर गया। आपको कैसे सूचना मिली, आप कैसे कहाँ से हैं? जी हमारी बहन ने बताया और बहन इनके पास फोन आया था और 7 बजे करीब हम सब कहीं जा रहे थे तो उन्हीं टाइम में फोन आया। वह मृतक की दूसरी पत्नी थी, जबकि उसकी पहली पत्नी गांव में रहती है और उसके 3 बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मृतक के भाई ने बताया कि 2 माह पहले पता चला कि उसके भाई ने दिल्ली में दूसरी शादी की है। आज पता लगा कि भाई की हत्या हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच गहनता से कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सरीन की रिपोर्ट।